केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, कुछ ऐसा ही हुआ है मेरठ के आबू लेन पर स्कॉर्पियो हादसे में। आधी रात को हूटर बजाती व 3 पलटी खाने वाली स्कॉर्पियो की चपेट में आने से एक गुब्बारे बेचने वाले की मौत हो गई। स्कॉर्पियो में शराब की पेटी रखी थी और सवार नशे में थे। मामला चुपके सत्ताधारी भाजपा से जुड़ा हुआ, लिहाजा पुलिस ने वैसा कुछ नहीं किया जैसा करने के लिए वह बदनाम है। मौके से पकड़े गए युवक को प्राइवेट इलाज के लिए मुजफ्फरनगर भेज दिया गया। मुकदमा दर्ज हुआ तो सिर्फ ड्रिंक और ड्राइव का। सीसीटीवी फुटेज सामने आई और मामला मीडिया की सुर्खी बना तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर एक आरोपी मानिक दलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। दिलचस्प बात यह भी है कि जिस स्कॉर्पियो से यह हादसा हुआ उस पर विधानसभा का पास भी लगा हुआ बताया गया है। जिस तरह से पुलिस ने सारे मामले में इस कांड के सभी हीरो के प्रति सहानुभूति रखी, उसी तरह रात के अंधेरे में स्कॉर्पियो से वह स्टिकर भी हटा लिया गया। इस स्कॉर्पियो में भाजपा नेता राजीव काले का भांजा कार्तिक शर्मा भी सवार था। विधानसभा का पास यूं ही किसी वाहन पर नहीं लगा दिया जाता, लेकिन रौब गालिब करने में यह बड़ा काम आता है। यह पास कहां से आया है, इसकी जांच होती तो बात बहुत दूर तलक जाती, लिहाजा सबसे पहले इसे ही हटाया गया। अब कार मालिक मानिक दलाल निवासी मोहद्दीनपुर, कृष्णावाटी का टीपी नगर निवासी तनीष शर्मा, भाजपा नेता राजीव काले के भांजे कार्तिक गुप्ता व आराध्य हाइट्स निवासी चिराग गुप्ता को इस मामले में आरोपित बनाया गया है। शराब की पेटी बरामद होने के बावजूद मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सजवाण ने शराब तस्करी से इनकार करते हुए कहा कि यह सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। मीडिया ने जब मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सजवाण से वार्ता की तो उन्होंने यह कहा, देखिए। तेज गति से कार जा रही थी, उसके द्वारा एक व्यक्ति मानो बच्चू सिंह जो कि नाव के रहने वाले हैं उनको कुचल दिया गया था और उनकी मृत्यु भी हुई थी। इसके बाद इसमें परिजनों की तहरीर के आधार पर कार चालक के खिलाफ, अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा 3-4 में दर्ज किया गया था। बाद में जो मेडिकल रिपोर्ट और अन्य चीज़ों के जो साक्ष्य पाए गए उसके आधार पर ये पाया गया कि शराब का सेवन करके ये लोग कार चला रहे थे, बहुत तेज गति से चला रहे थे। उसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को प्राप्त हुआ है, इसके आधार पर धारा 304 की वृद्धि इसमें की गई है और जो कार चालक मानिक दलाल पुत्र राजेश प्रतापपुर के रहने वाले इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। साथ ही साथ इसमें जो अन्य लोग कार में थे और जो कार से शराब भी बरामद हुई उसके आधार पर जो अन्य अभियुक्त है उनके नाम प्रकाश में लाए गए, उनकी विषय में गिरफ्तारी करके इसमें कार्रवाई की गई। अनुपम गोयल जो आरोपी भिंड ने पकड़ के पुलिस को दिया था, सर उसको कैसे मुजफ्फरनगर भेज दिया गया, उसके पीछे क्या मंशा थी? इसमें पुलिस के द्वारा नहीं भेजा गया, इसमें जो अनुभव गोयल है उनका हिप जो है फ्रैक्चर हो गया था, उसके बाद उनको मेडिकल जो उनका हिप का जो ऑपरेशन है वो एक निजी अस्पताल में हुआ है, उसके बाद इसमें जब वो स्वस्थ हो जाएंगे उसके बाद इनके ऊपर भी कार्रवाई की। जब सर ये मालूम था कि ये एक्यूज है, उसका मेडिकल टेस्ट भी हुआ था, उसको अल्कोहल पाया गया, उसके बावजूद भी बिना पुलिस की सुरक्षा में या हिरासत में उसको कैसे भेज दिया मुजफ्फरनगर? ये जो मुकदमा है इसमें शुरुआत में 304A की जो धारा लगी है उसके इसमें किसी की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद जब इसमें जो मेडिकल टेस्ट किए गए उसके आधार पर जो अल्कोहल और अन्य चीज़ों की पुष्टि हुई, उसके बाद इसमें 304 की धारा बढ़ाई गई जिसके आधार पर गिरफ्तारी की। थाना पुलिस की आधार पर कार्रवाई, थाना पुलिस की सर पूरी लापरवाही इस पूरे मामले में पाई गई? नहीं, ये पूरा प्रकरण एक एजेंट का मामला था जिसमें की फोन दृष्टिया कोई लापरवाही नहीं इसमें पुलिस। दारू की तस्करी करने के बारे में ये शराब तस्करी का मामला नहीं, ये शराब का सेवन करके गाड़ी को लापरवाही पूर्वक चलाकर दूसरों की जान जोखिम में डालकर एक्सीडेंट का मामला है जिसमें कार्रवाई की। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।